भारत सरकार वालों से भी करते हैं। स्वागत है आप सभी का, लेट्स गो। अभी टाइम हो रहा है रात के 11:05। अभी दिखाते हैं, अभी टाइम हो रहा है 11:05 और इतनी जल्दी मैगी भी नहीं बनता है जितना जल्दी हम लोग का ट्रिप का प्लान बन गया। हम लोग ऐसे बैठे बैठे अभी बातें कर रहे थे, हम लोग चलो चलते मैसूर से आते, तो हम सोचे चल मेरा ब्लॉग का कंटेंट भी मिल जाएगा। हेलो, किसका फोन लिया है तोड़ेगा? किट्टू का बहुत बुरा एक्सपीरियंस है फोन तोड़ने का। भारत सरकार वालों से भी करते हैं, हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों ਨਾਲ डील करना होता। बिल्कुल सही, जिसका हम लोग बात कर रहे हैं उसका हम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख के बताना किसका ब्लॉगिंग ज्यादा अच्छा होता है। हम लोग अभी जा रहे हैं, सब पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे है नंदनी। हेलो, चलो बहुत शो ऑफ कर रही है। और हाँ, हम लोग जाएंगे अभी अभी यहाँ से सीधे प्रियांशु के घर, प्रियांशु के फ्लैट पे, प्रियांशु को पिक करना है। और हम इतनी काले क्यों आ रहे हैं? तो अभी हम फेस वॉश कर लिए, शायद गोरे लग रहे होंगे थोड़ा। ए, गोरे लग रहे हैं? हम लोग ऐसे जा रहे हैं। गोरे लग रहे हैं? क्या लगा रहे हैं? देखिए हम कैसे लग रहे हैं, मोटे लग रहे हैं यार, कुछ ऐसा लगा जिसमें पतले लग रहे हैं। अब आए ना लाइन पे। पापा, शूज पहन लो। मेकअप का डिस्कशन हो रहा है इन लोग का। ये लड़के भी हम रिसेंट में गई थी दिल्ली शोर बाजार से लेकर आई है 10-10 रुपए का चश्मा। कम से कम तो असली प्राइस तो बताओ, क्या है तुम्हारा प्राइस? अच्छा सॉरी, असली बताना 7 रुपए जी। नहीं मम्मा स्मार्ट, मम्मा स्मार्ट रहेगी तो बेबी ऑटोमेटिक स्मार्ट। हम लोग का प्लान बना था 11:05 में, 12:05 होने को गया। अब हम लोग जस्ट निकलने वाले हैं, सारा पैकिंग वैकिंग का प्लान तो हम तो बोले इतनी जल्दी मैगी नहीं बनता जितनी जल्दी हम लोग का ट्रिप प्लान हो जाता है। चलो चलो चलो, लेट्स गो किट्टू। गाड़ी निकल गया, बस जाके बैठ जाना है। अभी जाएंगे हम लोग प्रियांशु के पास। 12:34 हम लोग निकले, कितने बजे? मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो नहीं बजे। अभी हम लोग का प्रियांशु का घर यहाँ से और 20 किलोमीटर है। हाँ ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। तो प्रियांशु का घर यहाँ से और 20 किलोमीटर है, पहुँचने में और 1/2 आवर लगेगा वहाँ पे। हाँ वो 500 का नोट मत दिखा दीजिएगा। कैमरा होगा ना चलाना, कैमरा नहीं होगा जहाँ जीत जाएगा हमको, फिर मेरे ऊपर नहीं आएगा अगर चलान कटता है तो। हम पहले बता रहे हैं जिसका गाड़ी वो समझ ले। हम लोग जब प्रियांशु आया तब लोग वीडियो नहीं बना पाए थे, क्यों नहीं बना पाए थे जी? क्योंकि भूल गए थे बनाना, लेकिन देखना चाहिए था, मस्त हाथ में टिफिन बॉक्स का केला लेके खड़ा था रोड पे। रात के 1 बजे once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too, sneaking looks up and down from across the room, and damn what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait, our first time, our first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place, I feel my heart erase, so catch me if
20 किलोमीटर हमारा कंप्लीट हो गया और 20 किलोमीटर और यहाँ पे हम लोग बैठ के भी खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का अनप्लान जैसा था तो रात का खाना बन चुका था घर में, वेस्ट हो नहीं सकता था तो लेके आ गए हम लोग। शादी में जैसे हाँ शादी में होता है एकदम कैमरा मैन एकदम खाते हुए। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल का देखने, इसमें कुछ अवेलेबल है कि नहीं रूम, होपफुली होना चाहिए, इसे देखते हैं। तो इस वाले होटल में रूम अवेलेबल नहीं, हम लोग जा रहे अभी दूसरे में देखते हैं। चलो कुछ तो था, और अभी सुबह के 5 हो गए, हम लोग होटल ही ढूंढ रहे हैं अभी। तो एक और पास में ही मिला है, इन्होंने बताया कि पास में और देखते हैं वहाँ पर जाके। एक है ये होटल ऑल स्टार करके, इसमें पता करते हैं। और भैया ये तो लॉक है, लॉक है, सोया है बंदा, अंदर एक बंदा सोया है। हम लोग का जो यहाँ का वॉचमैन वो बोल तो रहा है रूम फुल है, लेकिन हम लोग को उस पर डाउट हो रहा है, सोने के चक्कर में हम लोग को भगा रहा है। हम लोग अभी ऑनलाइन चेक कैसे आ सकते हैं, थर्सडे है। 1 hour later वो भी जाके जैसे तैसे अभी अभी मतलब टाइम हो गया, एक सेकेंड, टाइम हो रहा अभी 7:02 और हम लोग मतलब मैसूर में जो है 4 बजे इंटर कर चुके थे, 4 बजे तक पहुंच गए थे। लेकिन हमने जो होटल किया था लाइक ऑनलाइन बुक किया, वहाँ जाने के बाद उनका प्राइस वाइज था कुछ सीन कर रहे थे वो कि इतने बुक हुआ था, फिर GST ब्ला ब्ला करके बहुत ज़्यादा बता रहे थे वो, तो हमने वहाँ पे नहीं रुका। फिर हमें और होटल ढूंढना पड़ गया, पता नहीं क्या है आज, मतलब आज तो वीक ऑफ भी नहीं है लाइक, ऐसे सैटरडे संडे भी नहीं है, बट इतना ज़्यादा सारे मतलब ऑलमोस्ट सारे होटल्स फुल थे। जो फटाफट तुमको मैं वहाँ सामने जो चर्च है उसका सिनेमैटिक शॉट दिखाती हूँ, आ जाओ ये। अभी लिफ्ट में थे, लाइट चला गया पूरे बिल्डिंग का, जाके फंस गए थे। कैसा था एक्सपीरियंस जीजू? इट वाज ऑसम, यू हैव टू गेट द एक्सपीरियंस। ये था वॉशरूम में, ये चिल्ला रहे मेरे को, पता लगा कुछ तो आवाज आ रहा है अभिषेक, अभिषेक गुड पार्ट तक मैं मोबाइल ले लिया, थोड़ा कॉल किसको करूं, इन लोग का अभिषेक बहुत सुन लिया, यहां तक साउंड आया था मतलब चाहिए कौन सा चामुंडेश्वरी हिल उधर, मतलब मैसूर आओ तो मेरा हर बार गुदरी जाना रहता है पता नहीं, लेकिन ठीक है उधर जाएंगे। तो मतलब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 9:30 तक सब उठ जाएंगे, लेकिन मेरे को पता है जो एक बंदी आई कोई नहीं उठने वाला है, तो आराम से सो, मस्त चलो बाय बाय। 2000 years later नहा हुआ कि सब लोग तैयार हो गया है, और मतलब पता नहीं सकल पर भी थोड़ी थोड़ी नींद तो दिख रही होगी, लेकिन हम बोले थे ना कि जब भी हम लोग सोते टाइम की उठेंगे लेट थे, चाबी यहाँ से बंद हो जाएगा सर। डैडा कौन है? तो मम्मा, अरे मम्मा डैडा क्या ही मतलब इन लोगों को ट्रिप पे आने का, जी सोते रहना है तो ट्रिप पे जाइए ना, उनको भी देखना है। Okay, तुमको भी देखना है कैसे लग रहे हो? मम्मा मेरा भी ठीक है, किट्टू तुमको भी देखना है, कैसे लग रहे हो? चलो सब। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when.
क्योंकि अभी लास्ट टाइम इधर व्लॉग कर रहा था तो याद होगा, अगर क्लिप कट होगा तो मैं दिखाता हूँ। और याद है पिछले व्लॉग में जब मैं इधर आया था तो आईफिल टावर दिखाया था, और आगे में जस्ट हमारे आईफिल टावर है। चलो तुमको आईफिल टावर दिखाते हैं, ये देखो। ओ भाई गर्मी देख रहे हो कितना हो गया, कब से फोटो खाली जाके जाएगा। और अभी वाले सारे जितने फोटोज लिए अगर वो देखना है कहाँ पे है, तो अभी तो मतलब मैं ऐसे 2-4 इसमें दिखा देता हूँ सैंपल के लिए। तो सबका फोटो देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं सबका आईडी इधर डाल दूंगा, साइड में करके। चलो अभी यहाँ से हम लोग वही चामुंडेश्वर हिल से नीचे उतर रहे थे, तो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है उनको दिखाते हैं, व्यू बहुत सही सा है। और ये जो सामने देखोगे ये है रेस कोर्स जहाँ हॉर्स रेस वगैरह होता है, यहाँ पे was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time. तो ये है सरोजनी मार्केट वाले लोगों का पहचान, मॉल में भी आके यहीं से लेना है। तो हम लोग मॉल में बैठे बैठे अभी 1.5-2 घंटे तक मीटिंग किया, डिसीजन ये बना है कि हम लोग जू नहीं जाएंगे क्योंकि अभी पूरी बारिश हो रही है बाहर, तो जू का प्लान हमारा कैंसिल। तो हम लोग जाएंगे एक क्या था अंडर वाटर एक्वेरियम कुछ तो है जिधर, मतलब कुछ तो होगा पता नहीं। तो अभी हमारा लग रहा है कि जू वाला प्लान कैंसिल हो गया बारिश की वजह से, तो उधर जा कर देखते हैं क्योंकि कोई मतलब नहीं है दिन बैठे बैठे वेस्ट करना। और चेहरे पर से दाने क्यों लग रहे थे, अभी जू जाना है, जू बारिश कितु जू कितु कितु जू जाना है। करते तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है हमें, कुछ बड़े बड़े एक्वेरियम्स हैं जो हमारे घरों में होते हैं यूजली, उसमें मछलियाँ डाल के रखे हैं। और राइट साइड में इन्होंने एक ये वाटरफॉल बना के रखा है जो कि डमी है, लाइक कुछ तो प्लास्टिक व्लास्टिक डाल वाल के कुछ तो किया इन्होंने, बट ठीक था एवरेज, देखने में ठीक था। बट ये फर्स्ट फ्लोर पर उतना मज़ा आया नहीं क्योंकि नॉर्मल सा था वो एक्वेरियम वाला कॉन्सेप्ट, बट कुछ कुछ चीज़ें इसमें अच्छी थी, लाइक एक ये टैंक के अंदर इन्होंने शिप का कॉन्सेप्ट डाला इसमें, ये ईल इलेक्ट्रिकल। और कुछ मैंने इसे ट्राई भी किया है कि लाइक 3D शॉट लेने का, जो मछलियों के पास से अगर जाते हैं और पानी में होती है तो कुछ 3D सा दिखता है, मैंने ट्राई किया है लेने का। होपफुली आपको अच्छा लगेगा, एंजॉय करो बाकी सिनेमैटिक्स। एक्वेरियम वाला हो गया, पहले तो मतलब मेरा मन नहीं था उतना जाने का, लेकिन जाने के बाद भी उतना मजा नहीं आया। मतलब लास्ट ऐसा वाला जो सीन था ऐसा था ना कि मतलब अभी तो देखा वीडियो पहले बॉक्स के अंदर ऐसा लगा घर में जो हमारे एक्वेरियम मतलब वही बड़े साइजेस में उसके अंदर मछलियाँ डाल के रख दिया, वैसा लग रहा था पहले तो लगा पैसे पूरे बर्बाद हो गए। उसके बाद फिर वो जो एक दुबई वाला कॉन्सेप्ट है कि हाँ आप ओशन में बॉक्स शीशे से मतलब गोल किया हुआ है वो वाला कॉन्सेप्ट बनाया, बट वो मतलब एक्वेरियम टाइप से बनाया, बट वो काफ़ी अच्छा था, उसमें मछलियाँ भी थी अच्छी अच्छी, एक तो उसमें शार्क भी था और पता नहीं 2-3 तरफ बड़ी बड़ी थी जिसका नाम भी नहीं था। मैं अभी सोच रहा ब्लॉग को एंड करूँ कि नहीं करूँ, कल का भी स्टे करना है तो काम करते हैं उसको, 2 पार्ट में कर लेंगे हम लोग ये और एक कल कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। तो होटल में जाके एंड करूँ, हाँ होटल में जाके एंड करना है। चलो भाई ये है खाना हम लोगों का और ये है खाना किट्टू के लिए। तो अभी हम लोग जहाँ खाना है वहाँ का खाना मतलब ठीक था, टेस्ट वाइज ठीक था, बट क्या हुआ राइस में धागा निकल, तो मैं किसी मतलब रेस्टोरेंट जैसा नहीं कुछ नाम नहीं लूँगा, हाँ लेकिन मतलब ऐसे पीछे देख सकते हो, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन देख सकते हो। तो अभी मतलब ठीक है, उतना भी डिसेंट सा खाना था, उतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था।
और बाकी हम लोग दो राइस हमने ऑर्डर किया था, दोनों राइस हमने भेज दिया, एक फ्राइड राइस था और एक घी राइस था। बैंगलोर से आना और यहाँ पे जो जो भी हुआ, बस सबसे बुरा ये हुआ, ज़्यादा बस नहीं बोल रहे तो सबसे ज़्यादा बुरा ये हुआ है कि मतलब खाना अच्छा नहीं मिला हम लोग को, उस समय तो कुछ धागे वागे आ गए थे, बट ठीक है मैंने होटल का नाम नहीं लिया था, तो वो नोटिस करना मैंने होटल का नाम नहीं दिया था, लेकिन वो पीछे में दिख रहा था, जो भी है चलो जाने, तो इतना समझदार हो सब। तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, क्योंकि मेरे को लग रहा है मैंने सोचा था कि इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे कल तक वापस बैंगलोर तक जाने का, बट मेरे को लगा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसको यहाँ एंड करते हैं और एक नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। और हम सब का जितने भी है, देखो ये भी है, तो हम सबका मतलब जो भी इंस्टाग्राम आई डी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, स्क्रीन पर भी आ जाएगा सबका, तो जिसको इसको फॉलो करने का मन हो कर लेना, मेरे वाला आई डी पर कंपल्सरी है। तो आपको तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून। Bible. Hey. That's what it takes.